जयतु भारतम। विभाजन गाथाएं में आपका स्वागत है। विभाजन गाथाएं में कल हमने बात की थी सुनीता शर्मा जी के संस्मरण की, दिग्गज परिवार की पीड़ा। संस्मरण में सुनीता शर्मा जी ने हमें बताया कि 14 अगस्त 1947 की सुबह किस तरह से उनके दादाजी के ऊपर दंगाई टूट पड़े थे और धार्मिक उन्माद के कारण किस तरह की परिस्थिति का उनको सामना करना पड़ा था, और आज भी वो सारी परिस्थितियां, वो सारी जो यादें हैं उनके मन में बसी हुई हैं और रह रह करके मन को परेशान करती हैं, याद आती हैं तो पीड़ा पहुंचाती हैं। आज हम बात करेंगे पानीपत से कमल नयन शर्मा जी के संस्मरण की। वो शाम अब तक याद है। मैं करीब 6 बरस का रहा हूंगा, कुछ बातें समझ सकता था, याद रख सकता था, मगर यह नहीं समझ पाता था कि ये सब क्या हो रहा है, क्यों अपने से लगने वाले एकाएक जान के दुश्मन बन जाते हैं। जितना मुझे याद है, हमारा घर गांव के बीच में था। कुछ ऊंचाई पर चढ़कर जाते थे और बाहर की ओर ढलान से गांव के बाहर का रास्ता मिल जाता। उस दिन 13-14 अगस्त की रात घर परिवार के सारे लोग, रिश्तेदार भी सब एक जगह इकट्ठे हो गए और बड़े बूढ़े बात कर रहे थे कि बच्चों और औरतों को हवेली के भीतर भेज दिया जाए। वहीं अंदर तंदूर जलाए गए, कुछ रोटियां पकाई गईं, बाहर लेकर आई गईं, कुछ खा खिला दी गईं। सामान सबने बांधा हुआ था, दूर दूर से आवाजें आती, बस इतना ही सुनाई देता, चलो चलो। एक बार बस अड्डे और रेलवे स्टेशन पर भी पहुंचकर फिर वापस आ गए। हर जगह चेतावनी मिल रही थी कि आगे खतरा है। बताते थे उधर से एक गाड़ी आई है जिसमें सिर्फ लाशें हैं, सभी को मार डाला गया था, कोई कोई बचा था। बुजुर्गों के साथ वह रात ऐसे ही बीत गई, कोई कुछ नहीं बोल पा रहा था। अगले दिन घोड़े पर कोई आया और कह गया कि आज गांव खाली करना है। जिसके हाथ में जो कुछ आया उठा लिया और चल पड़े। सभी पैदल थे, कुछ सामान उठाया नहीं जा सकता था। मेरी माँ श्रीमती कौशल्या देवी ने हमें 3-4 कमीजें कुर्ते पहना दिए और खुद भी सूट एक के ऊपर एक दूसरा और 3 दुपट्टों को तह करके ओढ़ लिया। मेरे पिताजी को बुखार था, मेरी दादी, चाचा, चाची भी वहीं थे। दीपालपुर में बाबा लालू जसराज, जो मंदिर अब दिल्ली जामा मस्जिद के पास स्थित है, के सामने एक बहुत बड़ी सराय थी। सब उसी में ठहरे थे। अभी शाम हुई थी, तंदूर जलाए हुए थे, कुछ रोटियां पका चुके थे। कुछ लगी हुई रोटियां तंदूर में ही रह गई। 2 आदमी घोड़ों पर आए और उन्होंने कहा, यहां से भाग चलो, आज नहीं रुकना, दंगाई लोग औरतों को उठाकर ले जा रहे हैं, आदमियों को मार रहे हैं, जल्दी निकलो। मैं अपनी दादी के घर था। मेरे पिता मुझे लेने सराय से निकल पड़े, तभी भाग दौड़ शुरू हो गई, सारी सराय खाली हो गई। मेरी माँ मेरे 2 छोटे भाइयों भारत भूषण और अमृतलाल के साथ थी। उस घड़ी किसी को कुछ सुध नहीं थी, न कोई रुका, सबको अपनी अपनी जान की पड़ी थी। एक बुजुर्ग मुसलमान आया, उसने कहा कि तू क्यों नहीं गई बीबी। हमारी माँ ने जवाब नहीं दिया और मुंह ढक लिया। इतने में मैं अपने पिता के साथ वहां पहुंचा और हम तीनों भाई माँ पिताजी के साथ निकल पड़े। छोटा भाई 2 बरस का ही था, वो चल नहीं सकता था। मेरा हाथ मेरी माँ ने पकड़ा, पिता ने दोनों छोटे बच्चों को कंधों पर बिठा लिया और हम लोग तेजी से चलने लगे। फिर भी हम काफी पीछे छूट गए थे। रात को लोग रेलवे लाइनों के बीच सोए। भोर होते ही हम फिर काफिले के साथ हो गए। किसी को कोई नहीं पूछता था। पिताजी को बुखार अधिक तेज था, वो चल नहीं पा रहे थे। रास्ते में पानी भी नहीं था, कहीं कोई कुआं आदि मिल जाता था तो पी लेते थे। कहीं कहीं गांवों के लोग पानी भी पिलाते, कई लोग रोटियां भी दे जाते। यकीनन वे नेक दिल मुसलमान होंगे। 2-3 दिन लगे, गर्मी बहुत अधिक थी। पहले एक कुर्ता उतार दिया, फिर दूसरा, आखिर में हम तीनों भाई गले से नंगे हो गए और एक एक अंडरवियर में रह गए। पिताजी का बुखार नहीं उतर पा रहा था, वो चल भी नहीं पा रहे थे। ऐसी स्थिति में बच्चों को कंधों पर बैठाना बड़ा मुश्किल था। मेरी माँ ने एक गठरी उठाई हुई थी, उसमें कुछ कपड़े थे। कभी कभी मैं भी छोटे भाई को कंधे पर बैठाता। हम काफिले से पिछड़ गए, लोग आगे निकल गए। हम 5ों एक जगह एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। मेरी माँ बहुत सुंदर थी और उम्र भी जवान थी। मुझे याद है तभी एक बूढ़ी मुस्लिम औरत आई और उसने एक मैला सा गंदा सा दुपट्टा मेरी माँ को ओढ़ा दिया और इस तरीके से चेहरा ढक दिया कि किसी को पता ना चले कि यह एक जवान स्त्री है, पर वो अपने हाथ पैर नहीं छिपा सकती थी। तभी 2 बुजुर्ग मुसलमान आए, उन्होंने कहा, तुम यहाँ क्यों बैठी हो, यहाँ खतरा है। हमारे पिताजी बोल नहीं सके, उनकी हालत अच्छी नहीं थी। हमारी माँ ने इशारे से कहा कि हमारे साथ वाले पीछे रह गए हैं, आने वाले हैं, हम अभी चले जाएंगे। बड़ी समझदारी से माँ ने मुंह ढके वह मौका संभाला। फिर हमको लेकर और पिताजी को सहारा दे करके वह चल पड़ी। जब बॉर्डर पर पहुंचे तो कुछ लोग नाचने लगे थे।
फिरोजपुर के रास्ते होते हुए हम कुरुक्षेत्र कैंप में आ गए। फिरोजपुर में भी 3-4 दिन रुके। हमारी माँ के दूर के कोई रिश्तेदार थे, वो सबको अपने घर ले गए। वहाँ लोग तंदूरों में किताबें जला जला कर रोटियां पकाते, जो कुछ मिलता खाते। फिर जल्दी ही पता चल गया कि सरकार ने हमारे जैसे लोगों के लिए जगह जगह कैंप लगाए हैं। हम भी तीनों भाई, माँ, पिताजी और बहुत से रिश्तेदारों के साथ कुरुक्षेत्र आ गए। कैंप में जो राशन दिया जाता था वो पूरा खाना नहीं होता था, पेट नहीं भरता था, बच्चों को कम पड़ता था। जमीन पर सोते थे, टेंट लगे हुए थे, एक एक टेंट में कई कई लोग सोते, कुछ बाहर ही जमीन पर पड़े रहते। पिताजी का बुखार नहीं उतर रहा था, उन्हें कुरुक्षेत्र के सरकारी अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। गर्मी में पैदल चलना, बारिश में भीगना आदि कारणों से बुखार बिगड़ गया, शायद न्यूमोनिया था। एक दिन शाम को मैं अपनी माँ के साथ अस्पताल होकर आया। अस्पताल में रात को नहीं रुकते थे, दोनों छोटे भाई थे। अगले दिन जब हम दोबारा उनको देखने गए तो पता चला कि वो तो रात को ही गुजर गए, पिता का सहारा छूट गया। उस रात वास्तव में ही अमावस की रात थी। सारी रात माँ हम तीनों भाइयों को लेकर के रोती रही। वो यादें अब भी कचोटती हैं। वो भले लोग, नेक मुसलमान याद आते हैं जिन्होंने हमें सहारा दिया। ये तो था आज का संस्मरण, वो शाम अब तक याद है। कल का संस्मरण होगा सिरसा से नानक चंद जी का संस्मरण, पुराने दोस्त। इस संस्मरण के साथ कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।